वेल तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करेंगे फुकरा इंसान के बारे में। तो बेसिकली जब उन्होंने अपने सेकंड चैनल पर वीडियो अपलोड करी थी जिसमें वो ताराबाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार के रिलेटेड एक मीम पर रिएक्ट किए थे, इसी चीज के ऊपर ताराबाई जोगिंदर वापस से रिएक्ट करते हुए काफी कुछ कहे उनको और उनके भाई को। तो चलो पहले मैं आप लोगों को मीम दिखा देता हूँ जिस पर उन्होंने रिएक्ट किया था, और उसके बाद जोगिंदर का भी क्लिप दिखा दूंगा। तो यार इधर भी रोड है, देखो यहाँ पर रोड के बीच में आदमी कैसे बैठा हुआ है। इनके बच्चों ने इनको घर से मार के भगा दिया है। मेरे दोस्तों, इनके बच्चों ने इनको घर से मार कर भगा दिया है। इनकी 500 रुपए की फिलहाल हेल्प कर रहा हूँ। ये समझ ही नहीं पाते कुछ, इनकी याददाश्त जा चुकी है। आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को इतना शेयर करना ताकि अपने घर तक पहुँच पाए, भारत सरकार तक पहुँचवा दो। वो भाई देखो पहले ही पैसे वापसी कर रहा है, कह रहा है 500 रुपए बोल के 20 रुपए मेरे को दे रहा है, और उसके बाद भी कहेगा अभी कैमरा बंद होते कि वापसी दे दो। ये थोड़े दिमाग से वैसे है, इन्होंने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया है। अंकल आपका नाम क्या है? तुम तीनों में से मानसिक संतुलन सिर्फ उसी का ठीक है। कन्हैयालाल अंकल कहाँ के रहने वाले हो आप? पाकिस्तान के हो, बिहार के भी हो? प्रॉपर कहाँ के हो? प्रॉपर कहाँ के हो? तुम तीनों में से मानसिक संतुलन से पूछी का ठीक है। इस वाले पार्ट को अपनी वीडियो में से हटा देना, वरना तेरा मानसिक संतुलन सही कर दूंगा। इस बार तेरे भाई को और तेरे को 20 बार समझा चुका हूँ कि मेरे ऊपर वीडियो मत बनाया करो। इसको लास्ट वार्निंग समझना या फर्स्ट वार्निंग समझना, वरना तुम लोगों की औकात बड़े अच्छे से समझाऊंगा इस सोशल मीडिया के अंदर। अबे क्या बोलूं तुम लोगों को, तुम वो लोग हो जो अपना फायदा करने के लिए दूसरों को बदनाम करते हो। तुम्हारा खुद का कुछ कंटेंट है सोशल मीडिया के अंदर? अबे कब तक जोगिंदर के नाम के व्यूज खाएगा ये बता। जिस दिन अपना कुछ करे ना तब बात करना, ये नहीं कि मिस्टर बीस्ट को कॉपी कर दिया भारत के अंदर, तू मिस्टर बीस्ट बन गया। अबे तू बच्चा है और बच्चा रहेगा हमेशा, काट दे इस वाले पार्ट को, वरना फिर तू फोन करवाता रहेगा और वो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। चलो आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज के ऊपर, और ये न्यूज होने वाले सौरभ जोशी के बारे में। तो गाइस हमें पता है सौरभ जोशी का एक नया घर बन रहा है, और उनके कल वाले व्लॉग में उन्होंने बताया कि उनके नए वाले घर में चोरी हो गई। तो गाइस ये पूरा किस्सा कैसा था सौरभ के मुंह से सुनो। आया हूं नए घर पे, बिकॉज यहां पापा जी कह रहे कि यहां हो गई है चोरी। क्या हुआ बताओ, आप बताओ। सरिया चोर लगे सर। कौन ले गया? जो लोग यहाँ थे, गार्ड भी था, रात को रहते थे। उठा लेके कितनी सरिया थी? कम से कम यहाँ पर पूरा बेसमेंट का सरिया था। पूरा बेसमेंट हमारा आरसीसी का बता हुआ। अरे पूरा ढेर लगा हुआ था यहाँ से लेके वहाँ तक। 16 mm का अलग था, 20 mm का अलग था, 10 mm का गार्ड रखा था हमने। तो भी वो भी साथ के अपना जाए बेचे भेजे उन्होंने मिलजुल के सबने। देख लो गाइस, नए घर काम भी नहीं हो रहा, ऊपर से यहाँ पे चोरी भी हो गई। यहाँ पे मतलब अराउंड 1000 किलो से ज्यादा का सरिया पड़ा था, वो सारा ले गए। हमारे बहुत सारे वर्कर्स चेंज करे ना हमने, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, तो वो जाते जाते सारा सरिया सब चीज़ सामान उठा के ले गए, पूरा गाड़ी भर के लेके गए। और हमने जबकि हमने गार्ड भी रखा था कि चोरी वोरी ना हो, ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज घर बन रहा है, काफी चीजें लगती हैं, तो हमने स्पेशली गार्ड भी रखा था। गार्ड 7-8 महीने से गार्ड था, और गार्ड भी उनके साथ मिला हुआ था। तो हमने गार्ड को भी फिर भगा दिया था। वो भी दारू वारू पी के हरकतें कर रहा था यहाँ पे, तो हमने गार्ड को भी भगा दिया था। सब पूरा बेसमेंट भरा पड़ा था यहाँ से, एक साइड पे उसके अंदर था पूरा माल, उसके वो नहीं जो झुग्गी पड़ी है उसके अंदर से कट्टे भरे हुए सब ले गए, सब उठा लेंगे। वेल तो चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। तो गाइस इंडिया बॉर्डर से ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, पहले आप लोग ये वीडियो देख लो। गाइस बताया जा रहा है कि इसको एक बीएसएफ ऑफिसर ने कैप्चर किया था, जिसमें ये दो हिरन अलग अलग मुल्क से आपस में लड़ रहे हैं। चलो अब बात करते हैं जिसका आप सभी को कब से इंतजार था। तो क्या सच में मिथपैट यूट्यूब को लीव कर रहे हैं? तो गाइस कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हुए कहा कि यूट्यूब को लीव करने का वक्त आ रहा है। जरा ये सुनो गाइस, आजकल काम में इतना व्यस्त हो जाता और मेहनत में कि दिन भूल जाता हूँ मैं। मजाक कर रहा हूँ, बट थैंक यू सो मच। एंड नाइस, 6 साल हो गए और 4-5 साल मस्त निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या, उसके बाद भी करेंगे 4-5 साल और, क्योंकि मैं फिर YouTube छोड़ूंगा, थिंकिंग टू बिकम अ टिकटॉकर। मे बी तब तक टिकटॉक अनबैन हो जाए इंडिया में। यू नो लाइफ में मुझे रफ्तार चाहिए नैना, मैं नाचना चाहता हूँ। निंदे निंदे रहती है आजकल, टिकटॉकर बनूंगा मैं 4 साल के बाद। तो चलो फिर आगे बढ़ते और बात करते एक पॉपुलर YouTube चैनल के बारे में, जिसका 2 साल बाद जाके कमबैक हुआ। गाइस मैं बात कर रहा हूँ टैलेंट तड़का की। इस चैनल पर हिंदी मिमिक्री वीडियोस आती थी और ऑलमोस्ट इसके हर एक वीडियोस वायरल जाते थे, लेकिन इस चैनल पर वीडियोस आने बंद हो गए, और आज 2 साल बाद जाके इस पर एक वीडियो अपलोड हुई है, जिसपे वो खुद ही कहते हैं हो सके तो मुझे माफ कर देना इतना लंबे टाइम के बाद वापस आने के लिए। वेल आप लोग पूरा वीडियो मेरी डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके देख सकते हैं। वेल तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए। हम मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।